नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। भारत के साथ साथ देश विदेश के इतिहास में हर दिन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। अगर हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हर दिन कुछ विशेष घटनाएं इस दिन घटी हैं जिसने अपना दर्जा इतिहास में अंकित कर दिया। वैसे ही 31 मई का दिन यानी आज के दिन भी इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आज हम उसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। आज ही के दिन पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हेल्थ पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 मई को मनाया जाता है। ये अभियान लोगों से कोविड-19 महामारी के समय एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी गुहार लगा रहा है। सन 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आवाहन किया गया। WHO ने कहा कि दुनिया भर में 1.3 बिलियन तंबाकू यूजर्स में से 70% से ज्यादा के पास उन टूल्स तक पहुंच नहीं है जिन्हें उन्हें सफलतापूर्वक छोड़ने की जरूरत है। आखिरी सेवाओं तक पहुंच में अंतर केवल पिछले वर्ष में और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हेल्थ वर्कफोर्स को महामारी को संभालने के लिए जुटाया गया है। SAG जनरल में पब्लिश्ड 2018 के रिसर्च के मुताबिक भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इतना ही नहीं, WHO के मुताबिक तंबाकू के विपरीत प्रभाव की वजह से हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 7 अप्रैल 1988 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इस दिन को मनाने का आवाहन किया गया था। इस अभियान का निरीक्षण करने का उद्देश्य तंबाकू महामारी और इससे होने वाली बीमारी और रोके जा सकने वाली मृत्यु की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना था। तब से ये दिन लोगों को तंबाकू छोड़ने की गुहार लगाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ये अभियान लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों को इससे हानिकारक प्रभावों को समझाने के लिए WHO के जरिए जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी चल रहे कोविड-19 महामारी की वजह से कोई सार्वजनिक अभियान नहीं होगा, लेकिन लोग एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें वो लोगों को खेल या रियल लाइफ की कहानियों के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। तंबाकू कई गंभीर बीमारियों की वजह से बन सकता है जैसे कि फेफड़े के रोग, COPD आदि। इतना ही नहीं, इससे फेफड़े का कैंसर और मुंह का कैंसर भी हो सकता है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सभी तरह के कैंसरों में तंबाकू का योगदान तकरीबन 30% है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर सोनाक्षी का कहना है कि कोई भी लत छोड़ने के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार करना सबसे पहला कदम है। उन्होंने इस बुरी लत को छोड़ने के इच्छुक लोगों को कुछ छोटे छोटे उपाय बताए। उनके अनुसार एक समय में एक सिगरेट ही खरीदे, एक बार में पूरी सिगरेट पीने की बजाय आधी पीकर बाकी छोड़ देने की आदत डाले। इसे छोड़ने की कोई तारीख निश्चित कर ले या शुरू में सप्ताह में एक दिन ना पीने का ही प्रण ले और धीरे धीरे 1 से 2 दिन, फिर 2 से 3 दिन पर आए। इन उपायों के अलावा निकोटीन च्युइंगम चबाना भी तंबाकू की तलब नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वहीं दिल्ली मधुमेह अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर AK झिंगन इस संबंध में बताते हैं कि धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए कोविड-19 के अधिक घातक होने की बड़ी वजह यही है कि उनका शरीर वायरस के हमले का प्रतिरोध नहीं कर पाता और फेफड़े कमजोर होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत अन्य लोगों से ज्यादा पड़ती है। वहीं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अंशुमन कुमार के मुताबिक कोविड महामारी के दौर में पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक अतिरिक्त समस्या के रूप में उभरा है। संक्रमण से मुक्त होने के बाद धूम्रपान फेफड़ों की हीलिंग पावर यानी ठीक होने की शक्ति को कम कर सकता है। कोविड का नसों और मांसपेशियों पर होने वाला असर धूम्रपान के कारण और भी गंभीर हो सकता है क्योंकि तंबाकू भी रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर 3 इंच की तंबाकू भरी सिगरेट इतनी नुकसानदेह है तो इससे तौबा करने का विश्व तंबाकू निषेध दिवस से बेहतर मौका शायद ही कोई और हो सकता है। तो अभी हमने जाना तंबाकू निषेध दिवस के बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिकी माउस के दिलचस्प कार्टूनी कैरेक्टर के बारे में जो आज ही के दिन रिलीज हुआ था। तो चलिए जानते हैं मिकी हाइज के बारे में। इतिहास में आज का दिन बच्चों के मनोरंजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसे बोलते कार्टून का शो रिलीज किया गया जिसने बच्चों को खूब एंटरटेन किया। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चूहा यानी मिकी माउस को हर किसी ने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। आज ही के दिन यानी 88 साल पहले 31 मई 1929 को मिकी हाउस पहली बार लोगों के सामने आया था। वॉल्ट डिज्नी की गिनती दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों में होती है। हालांकि डिज्नी ने सफलता से पहले कई असफलताओं का सामना किया। वो दिवालिया हुए और कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक करेक्टर ने उन्हें अमर कर दिया। 31 मई 1929 को मिकी हाउस का कार्टून कार्निवल किड्स रिलीज किया गया था। ये पहला मौका था जब मिकी को आवाज मिली थी। मिकी की पहली फिल्म 18 नवंबर 1928 को रिलीज हुई थी। शुरुआती समय में कई बार डिज्नी ने खुद मिकी हाउस को आवाज दी थी। हालांकि वॉइस ओवर में सबसे ज्यादा शोहरत व्याने अल्विन को मिली थी। अल्विन ने मिकी हाउस को 30 साल यानी 1977 से 2009 के बीच आवाज दी। वहीं अल्विन की पत्नी रूसी टेलर ने भी मिनी हाउस को आवाज दी थी। 19 साल की उम्र में डिज्नी ने अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की। डिज्नी यहां कार्टून बनाने का काम करते थे। हालांकि कंपनी एक भी कार्टून बेचने में सफल नहीं रही और डिज्नी को अपने दोस्त के घर जाकर आसरा लेना पड़ा। कई बार उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। इस दौरान डिज्नी की स्थापित होने की कई कोशिशें असफल साबित हुई और वे फाइनेंशियल क्राइसिस तक पहुँच गए। कंसास सिटी में कार्टून सीरीज के फ्लॉप होने की वजह से 22 साल की उम्र में डिज्नी दिवालिया हो गए। आमदनी के लिए डिज्नी को जॉब तक करनी पड़ी। डिज्नी ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। एक न्यूज़पेपर एडिटर ने यह कहकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है और वे आलसी हैं। दरअसल वॉल्ट डिज्नी को मिकी हाउस को बनाने जाने का ख्याल चूहों को देखकर आया था। जब चर्च के पादरी ने वॉल्ट डिज्नी को कार्टून बनाने का काम दिया तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ भरकर चर्च में बैठकर ही कार्टून बनाने की बात कही। और जब वे वहाँ बैठकर कार्टून बनाने लगे तो वहाँ से उन्हें अजीब सी आवाजें आई। उन्होंने आसपास देखा तो पता चला कि चूहे उछल रहे थे और यहीं से उन्हें मिकी हाउस बनाने का ख्याल आया। और इसके बाद इस कार्टून ने विश्व भर में धूम मचाए जाने का काम किया। मिकी हाउस का पहला शब्द हॉट डॉग था। मिकी हाउस के नाम से सारी दुनिया में फेमस इस चूहे का पहला नाम मार्टिमर था। शुरुआती समय में यह कार्टून ब्लैक एंड व्हाइट थे, बाद में इसमें बदलाव हुए और यह कार्टून बच्चों की पहली पसंद बन गया। तो ये था मिकी माउस का इतिहास। अब हम बात करेंगे महारानी अहिल्या बाई के बारे में, जिनकी आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया। तो चलिए जानते हैं अहिल्या बाई के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। बहादुर शासक व मराठा प्रांत की महारानी अहिल्या बाई होलकर 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में जन्मी थी। अहिल्या बाई चौंडी गांव के पाटिल मक्कोजी राव शिंदे और सुशीला बाई की लाडली संतान थी। उनके पिता महिला शिक्षा के पक्षधर थे। वहीं जिस समय महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, उस समय अहिल्या बाई के पिता मंकोजी राव ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई।
अहिल्याबाई ने ज्यादातर शिक्षा अपने पिता के घर पर ही ग्रहण की थी। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक वीर योद्धा और मशहूर तीरंदाज भी थी, जिन्होंने कई युद्धों में एक साहसी योद्धा की तरह सूझबूझ के साथ नेतृत्व किया और विजय हासिल की। इसके साथ ही उन शासकों में से वह एक थी जो अपने प्रांत की रक्षा और अन्याय के खिलाफ आक्रमण के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई होलकर की पहचान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के रूप में होती है। उनके अद्भुत साहस और अदम्य प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े महाराजा व प्रभावशाली शासक भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। मराठा प्रांत की महारानी महिला अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए तमाम काम किए। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विधवा महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए कानून में बदलाव किए। विधवा महिलाओं को उनके पति की संपत्ति को हासिल करने का अधिकार दिलवाया और विधवा महिलाओं को बेटे को गोद लेने का हकदार बनाया। रानी अहिल्याबाई के अंदर दया, परोपकार, निष्ठा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए उन्हें दया की देवी व बेहतरीन समाज सेविका के तौर पर भी जाना जाता है। शादी के कुछ साल बाद अहिल्याबाई और खांडेराव होलकर को साल 1745 में मालेराव नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके 3 साल बाद वर्ष 1748 में मुक्ताबाई नाम की सुंदर पुत्री पैदा हुई। अहिल्याबाई अपने पति के राजकाज में मदद करती थी, साथ ही उनके युद्ध और सैन्य कौशल को निखारने के लिए प्रोत्साहित भी किया करती थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में भारत सरकार की तरफ से 25 अगस्त साल 1996 में एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा अहिल्याबाई के असाधारण कामों के लिए उनके नाम पर एक अवार्ड भी स्थापित किया गया। अपनी प्रजा के हित में काम करने वाली आदर्श शासक अहिल्याबाई होलकर 13 अगस्त साल 1795 ईस्वी में स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। हालांकि अहिल्याबाई होलकर की दरियादिली और उनके महान कामों ने आज भी उन्हें लोगों के बीच जिंदा रखा है। तो ये थी रानी अहिल्याबाई। और बढ़ते हैं अब आगे, बात करेंगे मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास के बारे में, जिनका आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी। तो चलिए जानते हैं अनिल विश्वास के बारे में। हिंदी फिल्म संगीत में ऑर्केस्ट्रा और कोरस के प्रभाव को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को जाएगा तो वे अनिल विश्वास ही होंगे। अनिल विश्वास इतने विराट कंपोजर थे कि उनकी विशेषताओं को वर्गीकृत करना आसान नहीं है। अनिल का जन्म 7 जुलाई 1914 को पूर्वी बंगाल के वारिसाल अब बांग्लादेश में हुआ था। बचपन से ही उनका रुझान गीत संगीत की ओर था। महज 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जहां वह तबला बजाया करते थे। वर्ष 1930 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। देश को स्वतंत्र करने के लिए छिड़ी मुहिम में अनिल भी कूद पड़े। इसके लिए उन्होंने अपनी कविताओं का सहारा लिया। कविताओं के माध्यम से अनिल देशवासियों में जागृति पैदा किया करते थे। इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अनिल वर्ष 1930 में कलकत्ता के रंग महल थिएटर से जुड़ गए, जहां वह बतौर अभिनेता, पार्श्व गायक और सहायक संगीत निर्देशक का काम करते थे। वर्ष 1932 से 1934 तक अनिल थिएटर से जुड़े रहे। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय व पार्श्व गायन किया। रंग महल थिएटर के साथ ही अनिल हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी से भी जुड़े। वर्ष 1935 में अपने सपनों को नया रूप देने के लिए वह कलकत्ता से मुंबई आ गए। वर्ष 1935 में प्रदर्शित फिल्म धर्म की देवी से बतौर संगीत निर्देशक अनिल ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। साथ ही फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। वर्ष 1937 में महबूब खान निर्मित फिल्म जागीरदार
अनिल के सिने करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। इसकी सफलता के बाद बतौर संगीत निर्देशक वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। वर्ष 1942 में अनिल बॉम्बे टॉकीज से जुड़े और 2500 रुपए मासिक वेतन पर काम करने लगे। वर्ष 1943 में अनिल को बॉम्बे टॉकीज निर्मित फिल्म किस्मत के लिए संगीत देने का मौका मिला। यूं तो फिल्म किस्मत में उनके संगीतबद्ध सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है कि बोल वाले गीत ने आजादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया। अपने गीतों को अनिल ने गुलामी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उनके गीतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष को एक नई दिशा दी। यह गीत इस कदर लोकप्रिय हुए कि फिल्म की समाप्ति पर दर्शकों की फरमाइश पर इसे सिनेमा हॉल में दोबारा सुनाया जाने लगा। इसके साथ ही फिल्म किस्मत ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में कलकत्ता के एक सिनेमा हॉल में लगातार लगभग 4 वर्ष तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं वर्ष 1946 में अनिल ने बॉम्बे टॉकीज को अलविदा कह दिया और वह स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर काम करने लगे। स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर अनिल को सबसे पहले वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म भूख में संगीत देने का मौका मिला। रंग महल थिएटर के बैनर तले बनी इस फिल्म में पार्श्व गायिका गीता दत्त की आवाज में संगीतबद्ध अनिल का गीत आंखों में अश्क लपे रहे हाय श्रोताओं को काफी पसंद आया। वर्ष 1947 में ही अनिल की एक और सुपरहिट फिल्म प्रदर्शित हुई थी, नया जोहरा बाई की आवाज में अनिल के संगीतबद्ध गीत सावन भादो नयन हमारे आए मिलन की बहार रे ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म अनोखा प्यार अनिल के सिने करियर के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म का संगीत तो हिट हुआ ही, साथ ही फिल्म के निर्माण के दौरान उनका झुकाव भी पार्श्व गायिका मीना कपूर की ओर हो गया। बाद में अनिल और मीना कपूर ने शादी कर ली। 60 के दशक में अनिल ने फिल्म इंडस्ट्री से लगभग किनारा कर लिया और मुंबई से दिल्ली आ गए। इस बीच उन्होंने सौतेला भाई और छोटी छोटी बातें जैसी फिल्मों को संगीतबद्ध किया। फिल्म छोटी छोटी बातें हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही, लेकिन इसका संगीत श्रोताओं को पसंद आया। इसके साथ ही फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित की गई। वर्ष 1963 में अनिल दिल्ली प्रसार भारती में बतौर निदेशक काम करने लगे और वर्ष 1975 तक काम करते रहे। वर्ष 1986 में संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। अपने संगीतबद्ध गीतों से लगभग 3 दशक तक श्रोताओं के दिल को जीतने वाले यह महान संगीतकार आज यानी 31 मई 2003 को इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। तो आज हमने आज की तारीख के इतिहास में के बारे में जाना। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।